गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था न्याय जस्टिस, जो क्या कहता है कि प्राचीन काल के अंदर जो न्याय था वो अलग अलग तरीके से न्याय होता था। हमने फिर उसके बाद एक प्लूटो का न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम अरस्तु, एक्विनास और आधुनिक काल के अंदर किस प्रकार से जो न्याय होता था, तो प्लूटो के बारे में हमने जब पढ़ा कि प्लूटो कहता है कि जो उस व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य दिया है उसी निर्दिष्ट कार्य में रहकर उसको कार्य करना है। अगर दूसरों के कार्यों के अंदर वो हस्तक्षेप करता है तो वो न्याय नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता? न्याय नहीं कहलाता। तो उसी प्रकार से प्लूटो ने दो रूप बताए थे, ठीक है। पहला रूप बताया था व्यक्तिगत, जो हमने कल पढ़ा था। इस व्यक्तिगत के अंदर जो मानवीय आत्मा है, उस मानवीय आत्मा के अंदर जो मानव की जो आत्मा है, उस मानव की आत्मा के अंदर उसने तीन तत्व बताए थे। पहला तत्व बताया था तृष्णा, दूसरा बताया था शौर्य, शौर्य यानी उत्साह, ठीक है। शौर्य का मतलब क्या होता है? उत्साह। और बुद्धि यानी ज्ञान। ये चीजों के बारे में जब तीनों इसने तत्व बताए थे, किसे? व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए, इसलिए हम इस जो प्लूटो ने, वैसे सभी गुण मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं, ये व्यक्तियों के मनुष्यों के अंदर गुण तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी में किसी भी गुण को किस प्रकार की गुण तक उसके अंदर प्रभुता रहती है, तो हमने ये जब कल तीनों चीजें पढ़ी, तो इन तीनों चीजों के अंदर मानव के अंदर क्या होता है? संतुलित होता है। क्या होता है ये? मानव इससे क्या होता है? संतुलित होता है। उसके बाद पढ़ा था हमने सामाजिक रूप। सामाजिक रूप के अंदर इस व्यक्ति ने तीन तरीके से इसने सद्गुणों को बताया। इसने जो एक वर्ग का निर्माण किया, एक राज्य व समाज के अंदर क्या किया? एक वर्ग का निर्माण किया। और उस वर्ग के अंदर उसने तीन तरीके रखे, एक तो शासक वर्ग रखा, एक सैनिक वर्ग रखा और एक उत्पादक वर्ग रखा। इन तीनों को इसने अलग अलग तरीके से, और इसने क्या कहा, प्लूटो ने क्या कहा कि जो शासक वर्ग का काम है वो शासक वर्ग ही काम करेगा। शासक वर्ग ही नहीं कि सैनिक वर्ग के अंदर जाकर हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं। इसलिए उत्पादक वर्ग, जो उत्पादक वर्ग है, उस उत्पादक वर्ग के अंदर उसको रहकर क्या करना है? कार्य करना है। इसलिए इन तीनों चीजों के अंदर, इन तीनों ने राज्य और समाज के अंदर क्या किया? इसने बंटवारा किया। जो ऐसा नहीं कि कुछ काम के अंदर वो क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं अरस्तु का, जो न्याय क्या था, अरस्तु क्या कहता है न्याय के बारे में, देखो। अरस्तु का न्याय, अरस्तु जो था, इसने न्याय के बारे में कि मानव के अंदर, मनुष्यों के अंदर सर्वकार मानवीय संबंध होने चाहिए। मनुष्य के अंदर क्या होने चाहिए? मनुष्य के अंदर सर्वकार क्या होने चाहिए? मनुष्य के अंदर सर्वकार मानवीय संबंध, मानवीय संबंध, मानवीय संबंधों के नियमन से, मानवीय संबंधों के नियमन से होता हो, नियमन से हो, उसी को क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। अरस्तु का विश्वास था कि जो मन के अंदर जो न्याय है वो राज्य के अस्तित्व के अंदर भी उसको होना चाहिए। इसलिए मानव जो है, मानव क्या, न्याय जो है, उस न्याय को प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए उसको समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। यानी अरस्तु क्या कहता है कि मनुष्य को न्याय के अंदर समान रूप से न्याय के सरोकार, न्याय के सरोकार रूप से विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। यानी आपको अरस्तु क्या कहता है कि मनुष्य के अंदर जो न्याय है, उस न्याय को एक समान रूप से, जो उसके अवसर है, समान रूप से क्या होने चाहिए? उसको अवसर
मिलने चाहिए, ठीक है। इसलिए उसी की क्या करता है, ये व्याख्या करता है, कौन करता है, अरस्तु। इससे पहले अपने प्लूटो पढ़ा, प्लूटो के बाद अरस्तु। अरस्तु क्या कहता है कि मनुष्यों के अंदर सरोकार मानवीय संबंधों का नियमन होना चाहिए, कि मानव के जो संबंध क्या है वैसे नियमन उसका नियम होना चाहिए, कि मानव के अंदर क्या संबंध होने चाहिए, न्याय से संबंधित, और उसको समान रूप से क्या मिलना चाहिए, विकास के अंदर समान अवसर मिलने चाहिए। उसके बाद जो अरस्तु है, अरस्तु न्याय को दो भागों के अंदर रखता है, या दो भागों के अंदर, या दो रूप रखता है, दो भागों के अंदर उसको बांटता है। अरस्तु के न्याय के दो रूप, अरस्तु जिस प्रकार से प्लेटो ने दो रूप रखे थे, प्लेटो के क्या क्या थे, एक तो व्यक्तिगत, ठीक है, दूसरा क्या था, सामाजिक। तो उसी प्रकार से अरस्तु ने भी दो न्याय के रूप रखे, एक तो रखा विस्तारात्मक न्याय और दूसरा रखा इसने सुधारात्मक। अब इस देखो, जिस प्रकार से प्लूटो ने दो न्याय के रूप रखे, व्यक्तिगत और सामाजिक, इस व्यक्तिगत के अंदर क्या था कि मानव की जो आत्मा है, उस मानव की आत्मा के अंदर तीन तत्व, तीन गुण होने चाहिए, शौर्य, तृष्णा और ज्ञान यानी बुद्धि। सामाजिक के अंदर क्या था, उसने राज्य और समाज के दो रूपों को रखा, एक तो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उसी प्रकार से अरस्तु ने भी न्याय के दो रूप रखे, एक तो रखा वितरात्मक न्याय और दूसरा रखा सुधारात्मक न्याय। इस वितरात्मक न्याय के अंदर अरस्तु ने शक्ति व संरक्षण का वितरण किया, किसका वितरण किया, शक्ति व संरक्षण का, शक्ति व संरक्षण का वितरण किया, ठीक है, किसका किया इसने, शक्ति व संरक्षण का। दूसरी बात, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप, योग्यता व योगदान के अनुरूप, योगदान के अनुरूप, योगदान के अनुरूप कहने की बात कहता है, कहने की बात कहता है। यानी जो वितरात्मक न्याय के अंदर कि अरस्तु कहता है कि न्याय के अंदर उसको राज्य अपने नागरिकों के अंदर राजनीतिक पद, ठीक है, राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और अन्य लाभ, जो अन्य लाभ है, अन्य लाभ वो पुरस्कारों का बंटवारा, अन्य लाभ पुरस्कारों का बंटवारा वो कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। वितरण करते समय, वितरण करते समय न्यायपूर्ण पूर्ण होना चाहिए। यानी देखो आप, अरस्तु ने जब वितरात्मक न्याय, वितरात्मक का मतलब क्या होता है, वितरण करना, यही समझते हैं अपन, वितरण करना। लेकिन वितरण कैसा होना चाहिए, कि इसको दे दिया, इसको दे दिया, इनको दे दिया, इनको दे दिया, ऐसा नहीं। लेकिन क्या कहता है, शक्ति व संरक्षण का वितरण, ठीक है, शक्ति यानी ताकत, संरक्षण यानी सुरक्षा का वितरण, व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप कहता है कि वितरण करते समय आप उसकी राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, अन्य लाभ, पुरस्कारों का बंटवारा, वितरण करते समय उसका न्याय होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, रीति के अनुसार होना चाहिए, न्यायपूर्ण रीति के अनुसार होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, और आनुपातिक समानता के आधार पर, आनुपातिक, आनुपातिक समानता के आधार पर, आनुपातिक समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए, आनुपातिक समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, वितरात्मक न्याय के नाम से जाना जाता है। असल में वितरात्मक न्याय का मतलब क्या होता है, कि शक्ति व संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप होना चाहिए।
दूसरी बात कहता है कि उसकी राजनीतिक पद प्रतिष्ठा सम्मान और पुरस्कारों का वितरण या उसका बंटवारा करते हो आप, तो वो कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात कहता है इसी के अंदर कि आनुपातिक समानता के आधार पर होना चाहिए, कि जो व्यक्ति की योग्यता है उस योग्यता के आधार पर वितरण होना चाहिए या योग्यता के आधार पर बनाता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वितरणात्मक न्याय के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है सुधारात्मक। इस सुधारात्मक के अंदर जो नागरिक है, ठीक है, जो नागरिक है वो नागरिक अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है, कि जो नागरिक है जो अधिकारों को अन्य व्यक्तियों के द्वारा, जो हमारे अधिकार है, जो अधिकार है उस अधिकारों का जब हनन होता है, हनन होना या हनन होता है, तो जो उस व्यक्ति के जो अधिकार है उस अधिकारों को क्या करता है, रोकता है। उसको हनन होने पर रोकथाम रोकथाम पर रोकता है। यानी सुधारात्मक का मतलब है कि जो न्याय है, जहां अन्याय हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। कि जिस प्रकार से जो नागरिकों के अंदर जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को व्यक्तियों के साथ में इन अधिकारों के तहत अगर हनन होता है, तो उन हनन होने वाले जो अधिकार है उस अधिकारों पर क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार अरस्तु व्यक्तियों के अंदर वितरणात्मक न्याय को प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के द्वारा दी गई व्याख्या को सुधारात्मक न्याय के अंदर रखा जाता है। दूसरी बात क्या कहता है अरस्तु इस सुधारात्मक के अंदर, कि अरस्तु जो है वितरणात्मक न्याय के अंदर, वितरणात्मक न्याय के अंदर, वितरणात्मक न्याय के अंदर जो प्राप्त मनुष्यों के अधिकार है, प्राप्त मनुष्य के जो अधिकार है उन अधिकारों को या उन अधिकारों की रक्षा के लिए अरस्तु की रक्षा के लिए सुधारात्मक की बात करता है। यानी जो राज्य के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की जब हनन होता है या रोकथाम को रोक लगानी है, तो अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के आधार पर कि व्यक्ति और शक्ति व संरक्षण के आधार पर क्या होना चाहिए, योग्यता के आधार पर उसके साथ में न्याय होना चाहिए। अगर योग्यताओं के आधार पर अगर न्याय नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है, व्यक्ति के साथ में अन्याय हो रहा है। तो ऐसे राज्यों के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर क्या करता है, वो रोकथाम लगाता है, ठीक है। तो इन दो चीजों को अरस्तु ने न्याय के रूप बांटे हैं, ठीक है। अरस्तु ने पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अगर आपको प्रश्न प्लूटो का पूछे कि प्लूटो के न्याय के कोई दो रूप बताइए आप, ठीक है, तो आपको प्लूटो के न्याय के दो रूप कौन कौन से बताने हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। अरस्तु का पूछता है तो वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, ठीक है। कल हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा था कि प्लूटो क्या कहता है कि व्यक्ति के जो विधि निर्दिष्ट जो कार्य है वो निर्दिष्ट कार्यों के अंदर अंतर्गत उसको करना चाहिए, दूसरों के कार्यों के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात थी अरस्तु ने दो रूप रखे, एक तो रखा व्यक्तिगत, सॉरी प्लूटो ने दो रूप रखे, एक तो रखा व्यक्तिगत और दूसरा रखा सामाजिक। तीसरी बात प्लूटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंदर नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसमें किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, नैतिक सिद्धांत का। चौथी बात उसने रखी थी प्लूटो ने, जो उसकी पुस्तक थी प्लूटो की, कल पुस्तक कौन सी बताई थी आपको, रिपब्लिक, कौन सी थी, रिपब्लिक, ठीक है। इस रिपब्लिक के अंदर प्लूटो ने जो नैतिक सिद्धांत का विश्लेषण किया, किस सिद्धांत का विश्लेषण किया है, नैतिक सिद्धांत का, ठीक है। हम उसके बाद जो अलग दोनों वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय का जो इसने प्रतिपादन किया या प्रतिवर्ती न्याय है, हम इसको एक अलग देखो उसके बाद कि दोनों को इसने न्याय को किस प्रकार से अरस्तु ने रखा, ठीक है। एक तो रखा इसने वितरणात्मक न्याय के अंदर, वितरणात्मक
और दूसरा रखा सुधारात्मक, सुधारात्मक, ठीक है। उसको सुधारात्मक को हम प्रतिवर्ती न्याय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? प्रतिवर्ती न्याय। देखो इसके अंदर इसने रखा कि विधायक का विचार क्षेत्र, ठीक है, विधायक का विचार क्षेत्र, इसके अंदर इसने रखा न्यायाधीश का, न्यायाधीश का विचार क्षेत्र। उसके बाद इसने किस प्रकार से जो विधायक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि पद और प्रतिष्ठा के आधार पर उसको क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और लाभ और पुरस्कारों के आधार पर उसका क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, सम्मान और धन संपदा का वितरण, सम्मान व धन संपदा का, समान धन का वितरण, ठीक है। उसके अंदर इसने क्या रखा, परस्पर लेन देन को पुनः व्यवस्थित करना, परस्पर लेन देन को, परस्पर लेन देन को पुनः पुनः व्यवस्थित करना, ठीक है। कि वितरणात्मक न्याय के अंदर की जो विधायक का विचार क्षेत्र, कि उस क्षेत्र के अंदर जो विधायक है उसका क्या क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है न्यायाधीश, वो कहता है कि समान व धन संपदा का कैसा वितरण होना चाहिए, समान रूप से। यहाँ पर क्या कहता है कि जो परस्पर आपस में जो लेन देन है उसको व्यवस्थित करना चाहिए, जो आपस में आपने लेन देन किया है उस लेन देन को कैसा होना चाहिए, मानवीय तरीके से होना चाहिए, ठीक है, मानव के संबंधों से होना चाहिए, उसका नियमन होना चाहिए, सबको अपनी योग्यता के अनुसार, सबको अपनी योग्यता के अनुसार, सबको अपनी योग्यता के अनुसार वितरण होना चाहिए। इसके अंदर किसी की पक्ष को लेने वाली की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी के पक्ष को होने वाली ठीक है। इन दोनों ने, अरस्तु ने न्याय को दो भागों के अंदर बांटा, एक तो वितरणात्मक और सुधारात्मक या प्रवर्ती न्याय, ठीक है, और विधायक का विचार क्षेत्र, न्यायाधीश का विचार क्षेत्र, सम्मान व धन संपदा का वितरण समान रूप से होना चाहिए, यहाँ पर परस्पर लेन को पुनः व्यवस्थित करना, ठीक है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार रखना, किसी के पक्ष में होने वाली हानि नहीं होनी चाहिए, ये किसका था, अरस्तु का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकाल, जो प्राचीन कालों के अंदर जो काल था, मध्यकाल था, उस मध्यकाल के अंदर किस प्रकार से न्याय जो था, मध्य काल में न्याय संबंधी विचार, मध्यकालों के अंदर जो संत ऑगस्टाइन एक विचारक थे, संत ऑगस्टाइन इस संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इस संत ऑगस्टाइन ने न्याय के अंदर ईश्वरीय, ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत, ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। हमने 11वीं के अंदर शक्ति सिद्धांत, काव्य सिद्धांत, देवीय सिद्धांत, मातृ पितृ सिद्धांत, हमने जब इसके बारे में पढ़ा था, जब हमने ये सिद्धांत पढ़ा तो राज्यों की उत्पत्ति हुई थी। राज्यों की उत्पत्ति मातृ पितृ सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है कि एक राजा ने, सॉरी ईश्वर ने एक राजा की उत्पत्ति की है, और उस राजा के आधार पर पूरी प्रजा उसके अधीन कार्य करती थी, यही पढ़ा था अपने। साव्य सिद्धांत के आधार पर एक कॉन्टेक्ट किया जाता था कि जो निर्बल कबीले थे वो शक्तिशाली कबीलों पर जीत नहीं हासिल करते थे, तो उनको
अपनी जो उस भाग का जो हिस्सा था, उन भाग का हिस्सा उनको देकर उनके साथ में रहते थे। तो संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया और न्याय को महत्वपूर्ण व अपरिहार्य माना, प्रतिपादन किया और न्याय को महत्वपूर्ण वह अपरिहार्य माना। ठीक है, किसने? संत ऑगस्टाइन ने। किसने माना? संत ऑगस्टाइन ने। इनकी रचना थी, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक को नाम याद रखना है अपने। इससे पहले मैंने आपको पुस्तक किसकी बताई थी, प्लूटो की, उस पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। ठीक है, और संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड। उस सिटी ऑफ गॉड के अंदर किसकी किसकी पुस्तक है ये? संत ऑगस्टाइन की। इस पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विधवा नहीं है, वह केवल चोर उच्चकों की खरीद पर गौर है। इस पुस्तक के अंदर कि जिस राज्य के अंदर या जिस क्षेत्र के अंदर न्याय विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, कि जिस राज्य में न्याय विद्यमान नहीं है, वहां वह केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। कौन कहता है? संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन क्या कहता है कि उनकी पुस्तक लिखी हुई, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने एक द सिटी ऑफ गॉड, पुस्तक का नाम क्या है? द सिटी ऑफ गॉड। उस पुस्तक के अंदर क्या बताया कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता, वहां पर केवल क्या होते हैं? चोर उचोकों की फरिश्त होती है, वहां पर सिर्फ चोर और ये बदमाश लोग ही होते हैं। ठीक है, उसको इन्होंने क्या बताया है? न्याय बताया है। इसलिए न्याय एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में निहित है, जिसकी व्यवस्था मांग करती है। न्याय, संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित न्याय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए न्याय? व्यवस्थित और अनुशासित, ये कौन कहते हैं? संत ऑगस्टाइन कहते हैं। ठीक है, आपको इस पुस्तक का नाम एक से याद रखना है। इस पुस्तक के बाद क्या कहते हैं इन्होंने, किस ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसका प्रतिपादन किया इन्होंने? ईश्वरीय राज्य का प्रतिपादन किया। उसके बाद पढ़ते हैं हम आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के अंदर जो न्याय था, हमने ये मध्य काल पढ़ा। मध्य काल के अंदर सन ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय रूप के अंदर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक भी द सिटी ऑफ गॉड, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जहां पर न्याय नहीं होता, वहां केवल चोर उचोकों की फरूद होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपन आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक काल में न्याय। ठीक है, आधुनिक काल के अंदर न्याय। इस आधुनिक काल के अंदर डेविड हूम एक राजनीतिक विचारक है। डेविड हूम, ये डेविड हूम कहते हैं कि सर्वहित या सार्वजनिक, सर्वहित या सार्वजनिक, सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय, उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत मानते हैं, एकमात्र न्याय का साधन माना जाता है, साधन माना जाता है। देखो, दार्शनिक विचारक है ये भी, जिस प्रकार से प्लूटो है, अरस्तू है, डेविड, संत ऑगस्टाइन है। डेविड होम कहते हैं कि सर्वहित या सार्वजनिक, सभी का, लोगों का क्या होना चाहिए? हित होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए। न्याय का नियमों की पालन मात्रा है और नियम सर्वहित है, नियमों का पालन होना चाहिए। न्याय क्या है? न्याय के अंदर ये क्या कहते हैं कि नियमों का पालन होना चाहिए। जो आपको नियम दिए, सही
उस नियमों के आधार पर उसका पालन भी होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। कौन कहता है? डेविड ह्यूम। ठीक है, इसलिए उन्होंने सर्वहित, सभी का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए, सबके हित के आधार को मानकर नियमों का पालन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का सबसे बड़ा क्या माना? एकमात्र साधन माना कि न्याय क्या है, सब लोगों का हित, सर्वहित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं? जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम कहते हैं कि जो न्याय है, ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के आधार पर, अधिकतम 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 लोगों का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम सुख, ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस अधिकतम के आधार पर सार्वजनिक वस्तु है, सेवा है आदि का वितरण न्याय का होना चाहिए। यानी सार्वजनिक सेवा, सेवा, ठीक है, वस्तुएं का वितरण कैसा होना चाहिए? न्याय के आधार पर। यानी जेरेमी बेंथम कहते हैं कि न्याय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। अगर एक प्रश्न आता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, किस विचारक ने न्याय की परिभाषा दी है या क्या, किसने बताया है, तो किसने बताया है? जेरेमी बेंथम ने। और ये जो सार्वजनिक सेवा है, सार्वजनिक वस्तु है, उनका वितरण कैसा होना चाहिए? समान रूप से होना चाहिए। कैसा वितरण होना चाहिए? समान रूप से। ठीक है, धन्यवाद। ये आपको टॉपिक पढ़ना आप घर पे, ठीक है, नहीं समझ में आए तो पर्सनल रूप से वीडियो कमेंट करें, हमको बताएं। ठीक है, धन्यवाद।